एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स, हाईली एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स मैं तुम लोगों के साथ कवर करने वाली हूँ यहाँ पर, ठीक है। बेस्ट 25 क्वेश्चंस देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ जो मैं डिस्कस कर रही हूँ उसको लिखते जाना, ठीक है, उनको पढ़ते जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो ठीक है, फाइन फाइन फाइन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग अनिरुद्ध, दिव्यांशी, सवराज, पूजा, वेरी गुड इवनिंग फैक्टिंग स्टड्स। चलो सब लोग आ जाओ, आस्क योर फ्रेंड्स टू जॉइन इन, क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, सब लोग स्टार्ट कर लो, सब लोग आ जाओ, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट करंट अफेयर कौन सा है, ये हाईली एक्सपेक्टेड है, मोस्ट रिसेंट करंट अफेयर्स मैं तुम लोग के साथ कवर यहाँ पर कर रही हूँ, राइट। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, नेम द नोटेड स्नो लेपर्ड। अच्छा, पहले जैसे मैंने स्नो लेपर्ड पढ़ा ना, मेरे मन में एक चीज आई, स्नो लेपर्ड सुनते ही ना दिमाग में आया कि स्नो लेपर्ड जो है लद्दाख का, स्नो लेपर्ड जो है लद्दाख का नेशनल एनिमल है, ठीक है, और ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है इसकी नेशनल बर्ड है, ठीक है। सो लद्दाख का नेशनल एनिमल इज स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक नेक क्रेन इसकी नेशनल बर्ड है लद्दाख की। सो नोटेड स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट है ये और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है। कंजर्वेशनिस्ट मीन्स यू टेक एवरी एक्शन, हर एक्शन तुम ऐसा लो जो कंजर्व कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो एक विटले गोल्ड अवार्ड मिला है उन सब कंजर्वेशनिस्ट को मिलता है ये, जो कंजर्व कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एनिमल्स को। सो विटले गोल्ड अवार्ड हैज बीन वन बाय चारू दत्त मिश्रा को ये अवार्ड मिला है। स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट है या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, ठीक है, प्रेस्टिजियस विटले गोल्ड अवार्ड उनको मिला है। चारू दत्त मिश्रा इज द राइट आंसर, राइट। वेरी वेरी गुड इवनिंग, हेलो 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 एवरीवन, बात समझे? तो चारू दत्त मिश्रा इसका आंसर तुम्हें समझ आ गया, विटले गोल्ड अवार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, अवार्ड एंड ऑनर्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन ब्रॉन्ज एट एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप दैट वॉज हेल्ड इन मनीला। अब मनीला पढ़ते ही मेरे दिमाग में आया फिलीपींस, मनीला जो है, मनीला फिलीपींस में जो है हेडक्वार्टर, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस, मनीला में एक एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है, ठीक है, और इसी वजह से वो पूछ रहे हैं कि कौन सा ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है। तो ब्रॉन्ज मेडल एक इंडियन पर्सन को मिला है जिनका नाम है पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु इनका नाम है, याद रखना। फिलीपींस की स्पेलिंग जो होगी WPINES, फिलीपींस, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी हेडक्वार्टर का भी हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ब्रॉन्ज मेडल एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसको मिला है ब्रॉन्ज मेडल, पीवी सिंधु को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। अगर आप सब अपडेटेड हैं तो टोक्यो ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु को मिला है, एंड टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला था इन द ईयर 2021, बट हम उन्हें नाम 2020 टोक्यो ओलंपिक्स का देते हैं, बात समझ आई। सो पीवी सिंधु ने वहां पर भी ब्रॉन्ज अटेन किया था और यहाँ पर भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये 7th नंबर की रैंकिंग पर है वर्ल्ड रैंकिंग पे, इनकी रैंकिंग पीवी सिंधु की 7th नंबर पर है, ठीक है। एनी इनसाइट्स कमिंग इन, सब लोग को ये बात समझ आ गई है, फाइन फाइन वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट वन जो जीन बैंक प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है। सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए, चलो बताओ। जीन बैंक, अब जीन बैंक में क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके जेनेटिक्स जो होते हैं वो बचा कर रखते हैं, क्योंकि वो इतने रेयर हैं कि अगर वो एक बार डाई कर जाएं, मर जाएं, तो वो कभी और कहीं दोबारा डेवलप नहीं कर सकते, उन्हें ग्रो नहीं कर सकते प्लांट्स को, एनिमल्स को जो है क्रॉस ब्रीड नहीं करा सकते हैं। तो
ऐसे जीन जीन्स को जेनेटिक्स को प्रिजर्व करना. तो जीन बैंक सेटअप हुआ है, कहाँ पर सेटअप हुआ है? एनी आंसर्स कमिंग इन? वेरी गुड. सो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. करेक्ट आंसर दिया है महाराष्ट्र इज द राइट आंसर. महाराष्ट्र में जीन बैंक सेटअप हुआ है. महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे. उद्धव ठाकरे सीएम है, ठीक है. और ठीक है, शिवसेना से हैं वो, ठीक है. चीफ ऑफ शिवसेना भी है वो, याद रखना. एंड मुंबई को हम फाइनेंशियल हब बोलते हैं. वी कॉल मुंबई द फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया, राइट. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरलाइन हैज बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन द कंट्री जो अपना लैंड कर रही है एयरक्राफ्ट यूजिंग द इंडिजिनस. कहीं भी वर्ड तुम इंडिजिनस पाओ, फाइंड आउट करो, तो याद रखना इंडिजिनस मीन्स मेड इन इंडिया. सो इंडिजिनस मीन्स मेड इन इंडिया. जी गगन, गगन पहली बात पता होना चाहिए. जैसे जीपीएस जो है, नेविगेशन जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, जैसे यूएसए का है, ऐसे ही इंडिया का गगन है. गगन की फुल फॉर्म क्या है पूछ सकते हैं? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन. जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इसकी फुल फॉर्म है. कौन सी ऐसी एयरलाइन है जो लैंड कर रही है एयरक्राफ्ट यूजिंग द इंडिजिनस. इंडिजिनस मीन्स मेड इन द कंट्री इटसेल्फ, मेड इन इंडिया. एक नेविगेशन सिस्टम है. कौन सी ऐसी एयरलाइन ने किया है? इंडिगो ने किया है. इंडिगो आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इनका पैसेंजर बेस है, लार्जेस्ट फ्लीट्स है इनके पास. सो इंडिगो इज द लार्जेस्ट वन एंड इंडिगो ने ये काम किया है. बात समझ आई? इज इट क्लियर? ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोग को समझ आ गया. इंडिगो इज द राइट आंसर. राइट राइट, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, गुड आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ एनसीएससी व्हिच इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर इज विजय संपला. विजय संपला इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बोथ ऑफ दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ये दोनों, अंडर आर्टिकल 338 और 338A. ठीक है, याद रखना 338A. 338B बात करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की. ठीक है, सो चेयरपर्सन कौन बन गए हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के? विजय संपला बन गए हैं. देन हर्ष चौहान जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के भगवान लाल सहानी है. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की रेखा शर्मा है. ये सब बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडीज. फाइन फाइन, ठीक है, करेक्ट आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. आई होप एवरी वन हैज लाइक द सेशन. सब लोगों ने सेशन लाइक किया हुआ है, ठीक है. आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू काइंडली लाइक द सेशन. सब लोग जो वॉच कर रहे हैं सेशन को अभी के अभी लाइक करो, ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशल 301 रिपोर्ट विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली कौन सी कंट्री ने रिलीज करी है? सो करेक्ट आंसर इज यूएसए. यूएसए ने स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है रिलीज करी है. स्पेशल 301 रिपोर्ट होती क्या है बेसिकली? इस रिपोर्ट में देखा जाता है कि यूएसए के ट्रेड में कौन कौन से बैरियर्स आ रहे हैं, जैसे कोई कॉपीराइट से रिलेटेड या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड जो भी सब इनके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ा जाता है. वो स्पेशल 301 रिपोर्ट होती है. दिस हैज बीन रिलीज बाय विच कंट्री? दिस हैज बीन रिलीज बाय यूएसए. यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? जो बिडेन इसके प्रेसिडेंट है. वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है. कल ही हमने पढ़ा था फर्स्ट फीमेल टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट शीज एन अफ्रीकन अमेरिकन एंड एशियन अमेरिकन वुमन. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द यूनियन कैबिनेट अप्रूव. देखो आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस. आई टॉट यू जस्ट येस्टरडे, कल पढ़ाया था. 820 करोड़ रुपीज एडिशनल फंडिंग मिली है. किसको मिली है बताइए, आप लोग बताइए. I can see a lot of people watching this, but not all of you have liked the session. सब लोग like करो session को, ठीक है. अब बताओ correct answer क्या होना चाहिए. 820 करोड़ की additional funding किसको मिली है? Any answers coming in? Very good, very good. Do or die. आपका name जो भी है, India Post Payment Bank को additional 820 करोड़ की funding मिली है. Very good answer. ठीक है, एटलीस्ट यू ट्राइड. ए इज द राइट आंसर. आईपीपीबी जिसे हम बोलते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को एडिशनल फंडिंग मिली है.
देन आ जाओ, रिसेंटली कौन से नेशन ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज होस्ट किया है? ठीक है, होस्ट किया है साइबर एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड्स 2022. लॉक्ड शील्ड्स 2022 किसने होस्ट किया है, दैट इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग. सो करेक्ट आंसर इसका है एस्टोनिया. एस्टोनिया ने होस्ट किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड्स, और ये हुआ हुआ था, दिस वॉज डन बाय नैटो एंड ऑल ऑफ दिस वॉज डन इन एस्टोनिया. नैटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इट केम इन टू बींग 1949, हेडक्वार्टर्ड इन ब्रूसेल्स बेल्जियम. ब्रूसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, ठीक है. 1949 में इंटू बींग आया था, और नैटो में पहले 12 कंट्रीज थी फाउंडिंग कंट्रीज, फिलहाल के लिए 30 कंट्रीज है. ठीक है, इज इट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, करेक्ट आंसर इज एस्टोनिया. एस्टोनिया में ये हुई थी साइबर एक्सरसाइज. देन विनर ऑफ इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को इंडियन फार्मा का इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है. काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब वैक्सीन एंड ऑल आर अलॉट इन न्यूज. तो ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है, ग्लेनमार्क इज वेरी फेमस, राइट? फॉर दैट मैटर वी शुड नो दिस. देन आ जाओ, हु विच अमंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स हैव बीन अवार्डेड? इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड किसको मिला है? दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन दैट वी हैव डन यस्टरडे. सब लोग, आप लोग आंसर करेंगे इसको कि कौन किस प्रोजेक्ट को मिला है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसको मिला है? हु हैज गॉट दिस अवार्ड, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसको मिला है, बताओगे? एनी आंसर्स कमिंग इन, बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड. आपने फिर से करेक्ट आंसर दिया है. अटल टनल इसका करेक्ट आंसर है. अटल टनल अंडर द रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश. इट इज लोकेटेड 9.02 किलोमीटर्स का है. लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब टनल है ये, ठीक है. और अटल टनल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है, 10,000 फीट के ऊपर. लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो. ग्लोबल पटीदार बिजनेस समिट जो है, मैं कहूंगी लेस इंपॉर्टेंट, आई वुड सेंस इट, बट ये सूरत गुजरात में हुआ था. हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आकर इसको वो किया था, नरेंद्र मोदी जी ने आकर इसे इनॉग्रेट किया था बिजनेस समिट को, और इसमें कुछ 30,000 लोग इन्वॉल्व थे एंड लॉट इन थाउजेंड्स जो है स्टॉल्स लगे थे, ठीक है. तो ये बिजनेस समिट हुआ था, सूरत गुजरात में हुआ है. देन कौन सा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए? अच्छा, आपको पता है रोपवे प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे हम ट्रॉली में नहीं जाते हैं, ट्रॉली बेसिकली जो हम जब पहाड़ों पर जाते हैं तो एक ट्रॉली नहीं जा रही होती, ऐसे ऐसे रोप पे जा रही होती है ट्रॉली, ऐसे बेसिकली ऊपर से नीचे जा रही होती है, नीचे से ऊपर जा रही होती है. तो ये रोपवे सर्विस होती है, ऐसे ट्रॉली सी बनी होती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है. उसमें 4 लोग बैठ पाते हैं, तो ये ऊपर तक जाती है हल्के हल्के करके, फिर नीचे तक आती है. तो इसे ट्रॉली सर्विस, इसे रोपवे बोलते हैं, ठीक है. तो कौन सी ऐसे स्टेट है जो 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स बना रही है? दैट इज द क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश बना रही है. अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डैश हैज बिकम द फर्स्ट वन जो कि रोपवे सर्विसेज यूज कर रहे हैं एज, रोपवे सर्विसेज यूज कर रहे हैं एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की तरह ये लोग यूज कर रहे हैं. आप मुझे बता सकते हो कौन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज कर रहा है रोपवे सर्विसेज को? बता सकते हो ये रोपवे सर्विसेज कौन यूज कर रहा है? इट इज अ सिटी, सिटी इन यूपी. एनी आंसर कमिंग इन? सो करेक्ट आंसर अगर कोई स्टूडेंट देता है, आई वुड, करेक्ट आंसर इज वाराणसी. वाराणसी जो है रोपवे सर्विसेज को एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं कि पीपल जो है ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक बाय यूजिंग रोपवे सर्विसेज, ठीक है. तो अब हिमाचल प्रदेश में भी 7 आ रहे हैं. वेरी गुड रूहानी. रूहानी हैज गिवन द राइट आंसर. वाराणसी इज द राइट आंसर. देन
सॉरी, जेम्स रिंगवेल रियांबाय पास्ड अवे. फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मेघालय के थे. मेघालय एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है. मेघालय कहाँ से बन के आई हुई है? मेघालय पहले असम का पार्ट थी, ठीक है, तो असम से निकल के आई हुई है मेघालय. एंड मेघालय की कैपिटल है शिलोंग. कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं शिलोंग कहाँ है, शिलोंग तो ध्यान रखना शिलोंग इज इन मेघालय, ठीक है. अब ना यू शुड बी एफिशियंट इनफ दैट यू गाइज कैन लोकेट, तुम लोकेट कर पाओ. जैसे मेघालय की बात हो रही है तो वो नॉर्थ ईस्टर्न में कहाँ पर है वो, ठीक है. तो पूरा मैप तुम लोगों को पता होना चाहिए. इफ आई एम मेकिंग द राइट मैप, जो भी ऐसे मैप होता है ये पूरा ऐसे होना चाहिए, ठीक है. तो मैप तुम लोग मैप पे लोकेट किया करो चीज़ों को. अच्छा ये यहाँ पर है, अच्छा यहाँ उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ऐसे लोकेट किया, गुजरात महाराष्ट्र जो भी सब यहाँ पर है ऐसे लोकेट करा करो मैप पर, ठीक है. जितना मैप तुम्हें समझ आएगा उतना तुम और चीज़ें रिलेट कर पाओगे. देन विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट वन जो वैक्यूम बेस सीवर्स को यूज कर रही है? आगरा है. काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो बस इतना पढ़ लो कि आगरा इज इन उत्तर प्रदेश एंड पहली सिटी बन गई है जो वैक्यूम बेस सीवर्स को यूज कर रही है. बेसिकली ये सीवेज ट्रीटमेंट में चला जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में चला जाएगा जो भी सीवेज निकल रहा होगा. सो दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद INB विच इज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर. अनुराग सिंह ठाकुर इज द मिनिस्टर ऑफ INB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो डेवलप करेंगे शॉर्ट वीडियोज हाईलाइटिंग द रोल ऑफ वुमन चेंज मेकर्स. वुमन चेंज मेकर्स के ऊपर कह रहे हैं भाई छोटी छोटी वीडियोज बनाओ. इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है डेवलप करेगी छोटी छोटी वीडियोज. किसके साथ कोलैबोरेट कर रही है? तो नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. हु ऑल आर कोलैबोरेटिंग? नेटफ्लिक्स एज वेल एज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है कोलैबोरेट कर रही है. शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज बनाएंगे जो हाईलाइट करेंगे रोल ऑफ वुमन चेंज मेकर्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ 540 मेगावाट कोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. चेनाब रिवर इंक्लूडेड है, जम्मू एंड कश्मीर में है. वैसे तो चेनाब रिवर पाकिस्तान का पार्ट भी मानी जाती है, ठीक है, बट इंडिया के कंटेक्स्ट में क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है चेनाब रिवर पर लोकेटेड है एंड रिवर जो है एसोसिएटेड है जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है. चलो, एलवीरा ब्रिटो हैज पास्ड अवे रिसेंटली. वो किस टीम की कैप्टन थी? एलवीरा ब्रिटो, नाउ शी इज एन ओल्ड वुमन. वो हॉकी, वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन जो है रह चुकी है एलवीरा ब्रिटो. पूछ सकते हैं जो ये जो डेथ्स होती हैं, पूछते हैं कि ये पर्सन किससे एसोसिएटेड था, ये पूछ सकते हैं, ठीक है. फिर विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसने 19 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन हिट करी है इंट्राडे ट्रेड में. इंट्राडे का मतलब होता है विद इन वन डे. इंट्राडे मीन्स इंटर डेज हो सकते हैं अलग अलग दिन. इंट्राडे मीन्स विद इन वन डे. विद इन वन डे जो है 19 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन, मीन्स जो जो तुम कंपनी के एसेट्स को वैल्यू दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट को वैल्यू दे रहे हो, उसने 19 लाख मार्क क्रॉस कर दिया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द राइट आंसर, जिसके हेड कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक है, सीईओ मुकेश अंबानी है. एंड इसके धीरू भाई अंबानी इसके फाउंडर है. धीरू भाई अंबानी इज द फाउंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया इंडिया में जो कवर कर रहा है 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, सेहत स्कीम जो है उसको कवर कर रहा है. कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया जो कवर कर रहा है 100% ऑफ हाउस होल्ड? तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है, द करेक्ट आंसर इज सांबा डिस्ट्रिक्ट. सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू में है. अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज सेम एज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है, NHPS या फिर आरोग्य जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यही है जो देखता है सब पुअर को, सबको हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके, हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके. वन इज दिस. सेकंड ऑफ ऑल एक बात ये भी है कि सबको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल सके. हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ये स्कीम 5 लाख पर फैमिली, 5 लाख पर फैमिली.
एंड दिस दे ओ टू मोर देन 10 करोड़ पीपल. ठीक है, बात समझ आई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन, कौन बन गया नैसकॉम. नैसकॉम बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के चेयरपर्सन बन गए हैं कृष्णन रामानुजम. रामानुजम इनका नाम है, कृष्णन रामानुजम इज द राइट आंसर. चेयरपर्सन बन गए दिबजानी घोष इज द प्रेजिडेंट, वो प्रेसिडेंट है. एंड कृष्णन रामानुजन इज द चेयरपर्सन ऑफ नैसकॉम. नैसकॉम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की फुल फॉर्म है. ठीक है, अब ऑथर कौन है चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग. इन्होंने इनकी स्टोरीज बता रखी है चाइनीज स्पाइज करके. अब क्या इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है रॉजर फैलीगॉट. बुक का नाम है बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है ये. वेरी गुड, वेरी गुड सागर मिश्रा, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है. 30 अप्रैल जो है आयुष्मान दिवस होता है. वेरी गुड, वेरी गुड, विच मीन्स यू गाइज आर रिलेटिंग थिंग्स, ऐसे ही रिलेट करना है, राइट. सो करेक्ट आंसर रॉजर फैलीगॉट, चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग. पहले से आपकी कहानी उन्होंने सारी बताई है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिस कंट्री का जिसमें हर विलेज में लाइब्रेरी है, हर गांव गांव में उन्होंने लाइब्रेरी बना ली है. सो विच इज दैट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज द क्वेश्चन. करेक्ट आंसर है इसका जमतारा डिस्ट्रिक्ट, जो कि झारखंड में लोकेटेड है. जमतारा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में लोकेटेड है, वहां पर हर विलेज में आपको मिल रहा होगा लाइब्रेरीज. ठीक है, गुड इनिशिएटिव, स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करने वाला है ये. ठीक है, बात समझ आई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी ऐसी इंडियन एक्ट्रेस है जो 75th कैंस फिल्म फेस्टिवल ज्यूरी का पार्ट रही है. ज्यूरी मींस जजेस का ग्रुप होता है, जजेस का ग्रुप होता है ज्यूरी. तो दीपिका पादुकोण इस ज्यूरी का पार्ट रही है. तो ये क्वेश्चन यही पूछा रहा है कौन सी इंडियन एक्ट्रेस है. सो दीपिका पादुकोण इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कंट्री केरला गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कॉस्मोस मेलाबारिकस प्रोजेक्ट के लिए. अब ये बेसिकली क्या है, सेमेस्टर एक्सचेंज है. जैसे यहाँ के बच्चे किसी और कंट्री में जाकर सेमेस्टर पढ़ के आते हैं, 3-4 महीने लगा के आते हैं या 5 महीने लगा के आते हैं, जिसमें वो वहां पे जो चीज वो यहाँ पढ़ेंगे वो वहां पढ़ के आते हैं, वहाँ फील्ड वर्क देख के आते हैं, अलग जगह पढ़ के आते हैं, सेमेस्टर एक्सचेंज. ऐसे ही केरला और नीदरलैंड में भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है कॉस्मोस मेलाबारिकस प्रोजेक्ट को लेकर. वेरी इंपॉर्टेंट, तो पूछ सकते हैं, केरला और नीदरलैंड्स ने करी है. और एक बात ध्यान रखना दैट केरला जो है मोस्ट लिटरेट स्टेट है. ठीक है, केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट. ठीक है, ये बात समझ आई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इंगर एंडरसन इनका इनके हेड है. इंगर एंडरसन डेनमार्क से है ये पर्सन. ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने नेम किया है, किसको मिल रहा है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड अंडर लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी. तो किसको मिल रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी अवार्ड, और रेसिपिएंट है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के. सो डेविड एटनबरो को मिल रहा है, डेविड एटनबरो इनका नाम है. ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसको दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. और इट केम इन टू बींग 19 विच ईयर डिड इट कम इन टू बींग, एक बार चेक करो, चेक इट एट योर एंड की यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम कब इन टू बींग आई थी. इंगर एंडरसन इसके वो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पता होना चाहिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर. 1972 में इन टू बींग आई थी, 1972 इट केम इन टू बींग. एंड इसका नैरोबी कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है. बात समझ आई. ठीक है, नैरोबी कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है. करेक्ट आंसर इज डेविड एटनबर्ग. ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा ये. आई हैव कवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस व्हिच आई एम कवरिंग एवरी डे. इस वे में तुम्हारे करंट अफेयर्स परफेक्टली एक्सप्लेन हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और इधर उधर की 4 बातें भी है जो करंटली चल रहा है. ठीक है, चलो ठीक है, ऑल राइट, विद दिस वी कम टू एन एंड. आप अभी के अभी जाकर लर्न करो, द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको फ्री PDFs वहां पर मिल जाएंगे, एज वेल एज पेड बैचेस भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो. लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लो. और इफ यू हैव एनी डाउट
वहां पर चैट का ऑप्शन है, आप हमसे चैट भी कर सकते हो, फैकल्टी से भी चैट कर सकते हो. गो कूल विद गोकुल छाबड़ा इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लो. इसमें आपको ए टू जी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी. कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कॉलेज रिलेटेड, सीयूबीटी, एवरी कॉलेज एडमिशन फॉर यूजी, आपको यहाँ पर मिल रहा होगा सारी इन्फॉर्मेशन. इवन फॉर पीजी ऑल्सो गोकुल सर कीप्स अपडेटिंग की क्या चल रहा है, सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिल रही होगी. सब्सक्राइबर बेस काफी बड़ा है, लार्जेस्ट चैनल है ये जहाँ पर सीयूबीटी एस्पिरेंट्स है. ठीक है, इट हैज सब्सक्राइबर बेस ऑफ अराउंड 26,000 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल ट्रस्ट अस एंड वी वर्क फॉर देम, राइट. 6976622212, 6976622212 इज द फोन नंबर. आप कोई इंक्वायरी देना लेना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं. ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग इन. आई होप समझ आ गया होगा. ठीक है, फाइन फाइन फाइन. अच्छा, न्यूज़पेपर अगर आपको सजेशन चाहिए तो द हिंदू इज अ गुड रीड, अच्छी न्यूज़पेपर है. द हिंदू थोड़ी सी टफ रीड कह सकते हैं, नहीं तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स इज ऑल्सो फाइन. इंडियन एक्सप्रेस इज अ वेरी गुड न्यूज़पेपर. तो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, बट गो फोर्थ एंड रीड इट. ठीक है, ट्राई क्या करो एडिटोरियल्स पढ़ने का, राइट. चलो ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरी वन, सी यू ऑल सून, बाय बाय.